हेलो प्रेप मेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम करने वाले हैं एक धमाकेदार शुरुआत आप सबकी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 का। सबसे ज्यादा परेशान बायो के बच्चों को फिजिक्स के अंदर करती है मैथ्स, तो क्यों ना पूरी की पूरी जो मैथ्स फिजिक्स के अंदर यूज होने वाली है उसको अगले 1 घंटे के अंदर निपटा लिया जाए और अपनी फिंगर्स के ऊपर लेके आया जाए। तो शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की हम बेसिक मैथ्स के साथ। इसके अंदर जो भी मैथ्स आपको पढ़ाई जाएगी उससे ज्यादा मैथ्स फिजिक्स के अंदर कभी भी यूज नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो मैथ्स की जो टेंशन है उसको परमानेंटली खत्म करेंगे हम आज की वीडियो के अंदर, राइट। सबसे पहले हम जानेंगे एंगल के बारे में। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या बनाती है? एंगल बनाती है। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? उन दोनों लाइंस पर कोई भी एक लाइन पर आप मेजर रेडियस ले लो आर, और उसका आर्क ड्रॉ कर दो एक लाइन से दूसरी लाइन तक। तो आर्क और रेडियस का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका एंगल कहलाएगा। इसकी जो एसआई यूनिट है, वैसे तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है क्योंकि दो सिमिलर क्वांटिटीज है, आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, बट फिर भी हमने इसको एक एसआई यूनिट दी है जिसको बोला जाता है रेडियन, और इसकी जो पॉपुलर यूनिट है उसको बोला जाता है डिग्री। आज तक हम सबने एंगल्स डिग्री के अंदर ही मेजर करे। तो अगर अभी कभी आपको एक्स रेडियंस को, ठीक है, डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ जाए, जैसे आपको कोई कहे कि बताओ पाई बाय टू रेडियंस कितने डिग्रीज के इक्वल होता है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 180 कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कभी आपको उल्टा काम करना हो तो कोई कहे बताओ 90 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल होता है, तो अब की बार आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 90 से 180 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 2। तो ये जो कन्वर्जन है ये आपके लिए बहुत हैंडी है। आप इसको यूज करके कभी भी अपने मन चाहे अनुसार डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को ट्राई करें। 90 डिग्री को अभी अभी हमने कन्वर्ट करा था। 45 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था 45 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? पाई डिवाइडेड बाय 180 से। 45 से 180 कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। कोई पूछे 135 डिग्री किसके इक्वल होगा? अगेन पाई अपॉन 180 से अपन क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 45 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 45 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 4। वहीं अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करनी है तो ये क्वेश्चंस हमारे काम में आएंगे। पाई बाय 3 रेडियंस को डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? 180 डिवाइडेड बाय पाई से, ठीक है। ये 3 से 180 कैंसिल हो जाएगा, 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। 2 पाई बाय 3, 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। आपको खुद को वेरीफाई करना है। और पाई बाय 6 जो है इसको 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 6 से डिवाइड कर लो आप, 30 डिग्री आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये जो पहला कंसेप्ट है ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिग्री से रेडियन के अंदर और रेडियन से डिग्री के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। फिर बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो सबको पता होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और बाकी के रेशियोज के बारे में, ठीक है। बहुत छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते थे। कुछ आइडेंटिटीज हमें ध्यान में रखनी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हालांकि इसमें से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली जो आइडेंटिटी है वो सबसे ज्यादा यूज होती है फिजिक्स के अंदर। ये ट्राइंगल भी बच्चों आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि हमें जो एंगल्स है 0, 30, 45, 60, 90, इनकी वैल्यूज हमें याद रखनी होती है। उसके अलावा कुछ जो एंगल्स है उनकी वैल्यूज और हमें ध्यान रखनी होती है, जैसे 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो अगर आपको कोई पूछे कि बताओ साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो इस ट्राइंगल में ध्यान रखना है। ट्राइंगल कैसे बनाए? जहां पर 53 एंगल है उसकी इधर वाली साइड 5 और इधर वाली साइड क्या हो जानी चाहिए? 3। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ही लोगे कि ये 4 हो जाएगी। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये रहा 37, इसके लिए परपेंडिकुलर है 3 और इसके लिए हाइपोटेनस है 5। कोई आपसे पूछे कि बताओ 10 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो 53 इसके लिए परपेंडिकुलर है 4 और इसके लिए बेस है 3। तो आप किसी भी रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो फॉर 37 डिग्री एंड 53 डिग्री।
क्वेश्चन में ये प्रीफर किए जाते हैं क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा रेशियो, इसमें रूट वगैरह नहीं आता, राइट। तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो। ये टेबल आई होप आपको सबको याद होगी, बट अगर याद नहीं है तो इसको फटाफट से बनाना सीख लो। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जीरो से हमारी गिनती स्टार्ट करते हैं, टू थ्री एंड फोर। फिर उसके बाद में फोर तक गिनती गई है तो फोर से इसको डिवाइड कर देते हैं, फोर से डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद में इन सभी का हम लोग क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं इस तरीके से। तो आपको बस केवल और केवल ये रो ध्यान रखनी है, उसके बाद में आपका काम आसान हो जाएगा। इसका आंसर आएगा जीरो, इसका आंसर आएगा वन बाय टू, टू से फोर कैंसिल आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा वन बाय रूट टू, ये हो जाएगा रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू और यहां पर आ जाएगा वन। तो इस तरीके से साइन ऑफ जीरो, साइन थर्टी, साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू आपको याद रह जाएगी। अब कॉस के लिए आपको क्या करना है, जस्ट इसको रिवर्स कर दो, वन उसके बाद में रूट थ्री बाय टू, उसके बाद में वन बाय रूट टू, उसके बाद में वन बाय टू और उसके बाद में जीरो। टेन साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो जीरो से वन को डिवाइड करेंगे जीरो, वन बाय टू से रूट थ्री बाय टू को डिवाइड करेंगे तो वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू से वन बाय रूट टू को डिवाइड करेंगे वन, रूट थ्री बाय टू से वन बाय टू को डिवाइड करेंगे रूट थ्री और वन से जीरो को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट। और फिर कॉट में अगेन आप क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो, यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा रूट थ्री, यहाँ पे वन, वन बाय रूट थ्री और यहाँ पे जीरो। सेक थीटा कॉस थीटा का इनवर्स होता है, तो वन का इनवर्स वन, इसकी टांगे ऊपर सिर नीचे, टांगे ऊपर सिर नीचे, टांगे ऊपर सिर नीचे और जीरो, ठीक है। तो इसके लिए करोगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और फिर इसको रिवर्स कर दो, यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर टू, यहाँ पर रूट टू, यहाँ पे टू बाय रूट थ्री और यहाँ पे वन, ठीक है। इस तरीके से हम आसानी से इस टेबल को फिल कर सकते हैं। तो जीरो से लेके 90 डिग्री तक तो आपको ये सारे के सारे रेशियोज जो हैं वो आपकी मेमोरी के अंदर फीड होने चाहिए। अगर आपको नहीं है अभी तक तो इस टेबल को कुछ 5, 6, 10 बार बनाने की कोशिश करो, उसके बाद में आपको ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो याद हो जाएंगी, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। हालांकि साइन और कॉस और टेन ये तीन रेशियोज ही ज्यादातर यूज होते हैं फिजिक्स के अंदर। फिर अगर 90 से ऊपर चले जाता है कोई और फिर आपको एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो आप इस रूल को ध्यान रखोगे, इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट रूल। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अपनों को एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और इसका इनवर्स कॉसेक पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सब नेगेटिव होंगे। थर्ड में टेन, ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सबका पहला लेटर देखो, ठीक है ना, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज 10 और उसका इनवर्स यानी कि कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं अदरवाइज नेगेटिव होंगे। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे अदरवाइज सब नेगेटिव होंगे। तो क्वाड्रेंट रूल से हम पता लगाते हैं कि आपका साइन कैसा होगा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। और फिर उसके बाद में हमारे काम आएगा ये वाला रूल, इसको रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर आपको मल्टीपल ऑफ पाई दिखाई दे, कोई सा भी रेशियो हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए साइन कॉस साइन लिया है, मल्टीपल ऑफ पाई दिखाई दे और फिर प्लस माइनस थीटा है, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा। अगर यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा ही हो जाएगा, रिड्यूस कर दिया। अब बात आएगी इस प्लस माइनस की, तो इसका निर्धारण किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल, जो कि अभी अभी आपने सीखा है। अगर मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है, प्लस माइनस थीटा है, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट हो जाता है साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक के अंदर और इसका उल्टा, राइट। और अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल आप इसका साइन जो है वो निर्धारित कर सकते हो। तो इन दोनों रूल्स की प्रैक्टिस करते हैं अपन। जैसे आपसे पूछा गया है कि बताओ कॉस माइनस 60 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, कॉस माइनस 60 डिग्री, ठीक है। वैसे माइनस 60 डिग्री आप बोलोगे सर ना तो यहां पे पाई का है ना पाई बाय टू का है, किसी भी तरीके से यहां पे कुछ नहीं है, तो अपन ऐसे केस में क्या करते हैं, इसको जीरो इंटू पाई लिख लेते हैं या जीरो इंटू टू पाई लिख लेते हैं। तो इसको लिखा जाएगा कॉस जीरो मल्टीप्लाइड बाय टू पाई माइनस 60 डिग्री, बात तो ही पड़ेगी क्योंकि पाई का मल्टीपल है फिर माइनस 60 है, तो हमें पता है कि रहेगा तो कॉस 60 डिग्री। और 2 पाई माइनस 0 इंटू 2 पाई का मतलब है आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी आपने देखा था 1 बाय 2। अगर कोई आपसे पूछे कि 210 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको सबसे पहले तो आप लिखोगे 10 180 डिग्री प्लस
30 डिग्री, 180 का मतलब होता है पाई, अभी अभी रेडियंस कन्वर्ट करना सीखा ना, तो एक तरीके से हो गया पाई प्लस 30 डिग्री। तो मैंने बताया था अगर पाई का मल्टीपल है तो आपका रेशियो जो है वो सेम रहता है, ये 10 30 हो जाएगा, और इसका जो साइन है उसका निर्धारण क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो 180 प्लस 30, ठीक है, ये 0 था, ये 90 था, ये 180 था, हम कहीं इस क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका 10 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव 10 30 हो जाएगा, और 10 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3। अगला क्वेश्चन देखो, साइन 300, तो साइन 300 डिग्री को लिखा जा सकता है कैसे, साइन 360 डिग्रीज माइनस 60 डिग्री। 360 का मतलब हो गया 2 पाई, 2 पाई माइनस थीटा, पाई का इंटीग्रल है, यानी कि वापस से साइन इनटू साइन 60 आ जाएगा, और 360 डिग्री का 360 माइनस कर रहे हैं, यानी कि अपन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 3 बाय 2। और अगर अपन कॉस 120 डिग्री की बात करें तो इसको लिखा जा सकता है कॉस 90 प्लस 30। अब की बार पाई बाय 2 का मल्टीपल जो है वो इन्वॉल्व है, 90 का मतलब पाई बाय 2 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 30। क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग देखें तो अपन सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 बाय 2। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इन दोनों रूल्स का यूज कर सकते हो, बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा, ये बार बार काम आती है फिजिक्स के अंदर, तो इसको तो याद ही रख लेना, 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos² थीटा के इक्वल होता है, और 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin² थीटा के इक्वल होता है। तो कई बार हमें इधर से इधर जाना पड़ता है, कई बार इधर से इधर जाना पड़ता है, तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, राइट। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, अगर ऐसी कोई भी फॉर्म आपको दी जाए और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका कोफिशियंट का स्क्वायर और इसका कोफिशियंट का स्क्वायर, उन दोनों को ऐड करके रूट ले लो, नेगेटिव लगाओगे तो मिनिमम वैल्यू और पॉजिटिव लगाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये भी कई बार फिजिक्स के अंदर यूज किया जाता है। और अप्रोक्सीमेशन ध्यान रखना है, अगर थीटा बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा को थीटा, टेन थीटा को थीटा, और कॉस थीटा को आप 1 के इक्वल लिख सकते हो, राइट। साइन थीटा जो है वो थीटा के इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा भी थीटा के इक्वल हो जाएगा, और कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आपने ध्यान दिया होगा फिजिक्स में बहुत सारी डेरिवेशन है जहां पर आप साइन थीटा को थीटा के इक्वल लिख देते हो, इनफैक्ट कई बार तो घुमा फिरा के साइन थीटा को टेन थीटा के इक्वल भी लिख दिया जाता है, बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin theta plus 4 cos theta। तो अभी तक तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मिनिमम मैक्सिमा का है, राइट, बट ऐसा नहीं है। अभी अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तो हो जाएगी अंडर रूट इसके कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशियंट का स्क्वायर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3² + 4² सबको पता है ये वैल्यू आएगी -5 और ये वैल्यू आएगी +5 ये हो जाएगी मिनिमम और ये हो जाएगी मैक्सिमम। तो अब आपके लिए क्वेश्चन जो है वो चुटकियों का क्वेश्चन हो गया, राइट, थेनोस की तरह ऐसे चुटकी बजाओगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर दो पॉइंट दिए जाए उनके कोऑर्डिनेट्स दिए जाए तो उनके बीच के डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप सबको आता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर + z2 - z1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, सबको पता होगा। और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, खासकर हम 2 डायमेंशनल XY प्लेन की बात कर रहे हैं, राइट, तो एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसकी स्लोप होगी y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो बहुत ज्यादा परेशान करता है, बट मैं आपको पहली बार रिवील करना चाहूंगा कि डिफरेंशिएशन के बारे में आपको PhD करने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, एंड That's all, पूरी की पूरी फिजिक्स डील हो जाएगी इससे, राइट? क्या है, सबसे पहले तो ध्यान दो कि डिफरेंशिएशन तब काम में आता है जब एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे y x के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको बोला जाता है y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। तो इस केस में जो एवरेज रेट है वो डिफाइन करी जाती है किससे, Δy/Δx, चेंज इन y/चेंज इन x, सबको पता है, ठीक है, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट करके फिजिक्स में बहुत बार आएगा,
ठीक है, ये फिजिक्स ही थी जिसने सबसे पहले इंस्टेंटेनियस रेट की रिक्वायरमेंट को इजाद किया था, और न्यूटन ने सबसे पहली बार इसके लिए डिफरेंशिएशन को डिस्कवर किया था, एक तरीके से इन्वेंट किया था आप कह सकते हो। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इंस्टेंटेनियस रेट अपन कैसे निकालेंगे, हम एक्स के अंदर होने वाले चेंज को बहुत कम कर देंगे, इसको लिखा जाता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। खैर हमें इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इसको इंस्टेंटेनियस रेट को ही क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन बोला जाता है। मैंने बताया था पीएचडी करने की जरूरत नहीं है आपको, बस मेन मेन पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब एवरेज रेट निकालनी हो तो चेंज इन वाई को चेंज इन एक्स से डिवाइड करो, और जब इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी हो तो क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन निकालना होता है। इंस्टेंटेनियस रेट हमेशा एक पॉइंट पर निकाली जाती है, और एवरेज रेट हमेशा दो पॉइंट्स के इंटरवल के बीच में निकाली जाती है, इसको पकड़ के रखो। ठीक है, ग्राफ के अंदर अगर डीवाई बाई डी एक्स की बात करते हो, डिफरेंशिएशन की बात करते हो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सम पॉइंट की बात करेगा। मैंने बताया था ना डिफरेंशिएशन एक पॉइंट पे डिफाइन करता है, एक पॉइंट पे तो केवल और केवल क्या खींची जा सकती है, टेंजेंट खींची जा सकती है, जबकि जो एवरेज रेट है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स वो कैसे डिफाइन करी जाती है, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। मैंने बताया था एवरेज के लिए दो पॉइंट्स मिलेंगे, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसकी स्लोप क्या कहलाएगी, आपकी एवरेज रेट कहलाएगी। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स वही है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, राइट। थोड़ा कनेक्ट करना सीखो इन सारी की सारी चीजों को। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशंस ध्यान में रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं। एक तो कांस्टेंट टर्म जो है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जबकि कांस्टेंट कोफिशिएंट जो होता है वो अनअफेक्टेड होता है। अभी इसका एक एग्जांपल देखेंगे, अगर दो अलग अलग फंक्शंस का आपको डिफरेंशिएशन करना आता है बट आपको दोनों के मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा गया है, तो आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, पहले फंक्शन को बिठा के रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को बिठा के रखो, पहले का डिफरेंशिएशन करो, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार डिवीजन रूल भी आपको यूज में लेना पड़ेगा, हालांकि बहुत कम, तो इसको भी ध्यान रख लो। इसमें नीचे वाले फंक्शन को बिठा के रखो, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को बिठा के रखो, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। तो ये दो रूल्स जो है वो आपके बहुत ही काम आएंगे जब आप डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनका डिफरेंशिएशन हमें डायरेक्ट ध्यान में रख लेना है, जैसे एक्स की पावर एन, ये बहुत बार फिजिक्स में बेसिकली आपको क्वेश्चन इसी के ऊपर मिलेंगे। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आ जाएगी आगे, पावर हो जाएगी माइनस वन, यानी कि एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसके कुछ रिजल्ट है जो कि आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, जैसे वन अपॉन एक्स, बहुत बार आपको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट ध्यान रख लो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। आईआईसी रूल्स है बट डायरेक्ट ध्यान रख लो। रूट एक्स आईआईसी रूल्स है बट डायरेक्ट ध्यान रख लो वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, राइट। साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स का कॉट एक्स हो जाएगा, और इसी तरीके से सारे के सारे। तो आपको बस बेसिकली ये ध्यान रखना है, एक्सपोनेंशियल अनएफेक्टेड रहता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा, और log x जो है, ठीक है ना, बेस में e होना चाहिए, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1 upon x होता है। कुछ ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो कि आपको ध्यान में रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान में रखनी है चेन रूल के बारे में वो ये है कि अगर आपको साइन एक्स की जगह साइन ए एक्स प्लस बी लीनियर फंक्शन दे दिया जाए तो आप क्या करोगे। तो देखो चेन रूल कैसे लगता है, सबसे पहले हमारे सामने साइन फंक्शन आया, हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस, अंदर वाली चीज को यू का यू रख दो ए एक्स प्लस बी, फिर अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन करो ए एक्स प्लस बी का, तो ए एक्स का तो हो जाएगा ए, मैंने बताया था कांस्टेंट कोफिशिएंट अनअफेक्टेड रहेगा, और बी का हो जाएगा जीरो, मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, जीरो। ए यहां पर कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है, और बी यहां पर कांस्टेंट टर्म है, अपनी अकेली सिंगल टर्म है, राइट। तो ये अंतर होता है, e की पावर ax प्लस बी का करोगे तो e की पावर का e की पावर ax प्लस बी हो जाएगा, और फिर ax प्लस बी का करोगे तो a बाहर आ जाएगा, log ax प्लस बी का करोगे तो log का हो जाएगा 1 अपॉन ax प्लस बी, और फिर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करोगे तो a बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हो। कई बार चेन रूल में बड़े बड़े क्वेश्चन करने लग जाते हो आप, वैसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में कभी भी यूज नहीं आएंगे, और डिफरेंशिएशन के ऊपर कभी भी स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन को आपको इस तरीके से करना है कि बस ये आपके काम आ जाए। जैसे एक पार्टिकल y is equals to 5 sin 2 pi t plus pi by 3 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, अगर वेलोसिटी dy by dt और एक्सेलरेशन dv by dt से डिफाइन किया जाए तो बताओ उनकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि y का अपनों को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है,
बहुत ही आसान है। अभी अभी हमने देखा था कांस्टेंट कोफिशिएंट अनअफेक्टेड रहता है, साइन का हो जाएगा कॉस, अंदर वाली चीज को यू का यू रहने दो, और फिर अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2π कांस्टेंट कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, t का हो जाएगा 1, पाई बाई 3 का हो जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा आपका 10π cos 2πt plus पाई बाई 3। ऐसे ही अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो 10π कांस्टेंट कोफिशिएंट है अनअफेक्टेड रहेगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन, अंदर वाली चीज को यू का यू रहने दो, और फिर अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे 2πt का हो जाएगा 2π, ठीक है, और पाई बाय 3 का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा माइनस 20π स्क्वायर साइन 2πt प्लस पाई बाय 3। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको जितने भी मैंने रूल्स बताए हो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, और इतना ही कुछ करना है। ये मैंने बेसिकली इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, इसी तरीके से यूज होता है, तो आपको इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको थोड़ा बहुत रिलीफ फील हुआ होगा कि यार हम डिफरेंशिएशन तक आते आते अटक जाते थे फिजिक्स के अंदर, और पहली बार सर बता रहे हैं कि हमें डिफरेंशिएशन में बस इतना सा ध्यान रखना है, और इतना तो हमें अच्छे से समझ में आ गया इस वीडियो को देखते हुए, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा निकालने में कई बार काम में आ जाता है, राइट। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है। आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, बोला जाएगा कि y इज इक्वल टू 5x² माइनस 2x + 1 है, तो बताओ y की वैल्यू कितनी होगी मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो होता है इसमें हम dy/dx निकाल लेते हैं। तो अभी तो आपको डिफरेंशिएशन करना आ गया होगा, 5x² 5 अनअफेक्टेड रहेगा, x² का हो जाएगा 2x यानी कि 10x हो जाएगा, माइनस 2x तो माइनस 2 अनअफेक्टेड रहेगा, x का हो जाएगा 1, और 1 क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसका हो जाएगा 0। फिर हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, dy/dx को 0 के इक्वल रख देते हैं, यानी कि 10x माइनस 2 को हमने किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 2/10, दैट इज 1/5, ठीक है। तीसरा, अभी जो पॉइंट मिला है हमें x इज इक्वल टू 1/5, इसके ऊपर हम डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, d²y/dx², डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन कहां पर, x इज इक्वल टू 1/5 के ऊपर। तो पहले डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10x का कितना हो जाएगा 10, और माइनस 2 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब x की वैल्यू 1/5 पर निकाल तो रहे बट हमें रखने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर हम ये देखते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है, अगर d²y/dx² पॉजिटिव है, इसका मतलब है वहां पर क्या होनी चाहिए, मिनिमा होनी चाहिए, एट x इज इक्वल टू 1/5 y इज मिनिमम। ये हमें पता पड़ गया, अगर नेगेटिव होता तो हम बोलते थे y इज मैक्सिमम। तो अब हमें ये पता पड़ गया कि y मिनिमम कहां है, कहां पर है, x इज इक्वल टू 1/5 के ऊपर। तो y की मिनिमम वैल्यू निकालना आप कौन सा दूर है, यहां पे x की जगह 1/5 रख दो, तो y की जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5, 1/5 का स्क्वायर करेंगे 1/25, माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस 1, ये 5 से 1/25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे माइनस 2/5 है, तो माइनस का 1/5 बच जाएगा प्लस 1, और यहाँ पे करोगे 5 माइनस 1 करोगे तो 4/5, ये आपके y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप इस क्वेश्चन को करने के बाद में आपको मैक्सिमा मिनिमा जो है उससे कभी घबराने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिजिक्स में जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उनमें कई बार इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ जाता है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टैंड अलोन क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, पर कई बार अच्छे क्वेश्चन के अंदर आपको आखिरी स्टेप में मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है, और वो अब आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होता है, सिंपल सा ही, राइट। चलो नेक्स्ट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन का। कहने का मतलब ये है कि आपने एक मशीन बनाई, उसमें इसको इनपुट डाला, डिफरेंशिएशन नाम की मशीन है, तो आपको आउटपुट मिला gx, कुछ अदर फंक्शन मिल गया। तो अगर आप इसको इंटीग्रेशन नाम की मशीन के अंदर इनपुट डालोगे तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। एक तरीके से ये गन्ने की मशीन है जिसमें आप गन्ना डाल रहे हो और उधर से जूस निकल रहा है, तो इंटीग्रेशन एक ऐसी मशीन है जिसमें आप जूस डालोगे तो वापस से क्या बन जाएगा, गन्ना बन जाएगा, ठीक है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बट इस तरीके से समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एन इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन,
ठीक है हंसी आ रही होगी आपको मशीन का नाम देख के। खैर एक्स की पावर एन, अब अपनों को वही रूल लगाना है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। देखो वहां पर अपन करते थे पावर आगे आ जाती थी और पावर -1 हो जाती थी, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पावर +1 हो जाएगी और जो भी पावर आगे आई थी मतलब मल्टीप्लाई हो रही थी वो अब की बार डिवाइड हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर एन +1 डिवाइडेड बाय एन +1। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट जैसे डीएक्स कुछ भी नहीं है, केवल डीएक्स है, तो डीएक्स को आप लिख सकते हो एक्स की पावर 0 टाइम्स डीएक्स, और एक्स की पावर 0 पर ये रूल लगाओगे तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 0 + 1 दैट इज एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1 दैट इज 1, तो एक्स आ जाएगा इसका आंसर। राइट, वैसे डायरेक्ट ध्यान रख लेना 1/x² डायरेक्ट ध्यान रखना इसका कितना होता है, -1/x होता है। आप बोलोगे सर 1/x को क्यों भूल गए, तो 1/x का जो होता है वो कितना हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे बच्चे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाने लगते हैं, ये वाला, जबकि भूल जाते हैं कि यार लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ करता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, लॉग एक्स होना चाहिए। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स हुआ करता था, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वापस से कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का हो जाएगा -cos x, कॉस एक्स का हो जाएगा +sin x, sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी भी किसी फंक्शन का आपको क्या करना पड़े, इंटीग्रेशन करना पड़े, तो आपको बस ये दिमाग लगाना है कि यार ये जो फंक्शन है कि किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, जिसका डिफरेंशिएशन रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हालांकि आपको इन सब फॉर्मूलाज के बेसिस पे कभी भी इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो हो ही जाएगा, आपको कुछ और उसके अलावा सोचने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 3/x² + 4/x dx, तो मैंने अभी अभी बताया था कांस्टेंट कोफिशिएंट अनअफेक्टेड रहेगा, यहाँ पे रह जाएगा 1/x² dx, फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट अनअफेक्टेड रहेगा 1/x dx, अभी अभी बताया था। 1/x² का डायरेक्ट ध्यान रखना है कितना होता है, -1/x 4, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है कितना, लॉग एक्स, यहां पे गलती मत कर जाना, तो -3/x + 4 log x, ये आपका क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसमें इंटीग्रेशन यूज होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में इंटीग्रेशन की बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले ग्राफ के अंतर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, आपका कोई भी फंक्शन है, फंक्शन का मतलब है आप उसको क्या कर सकते हो, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, तो ये जो आपको कर्व मिलेगा वो ग्राफ के कोरस्पॉन्डिंग, उस फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा। अब कोई कहे कि इस x = a वाले पॉइंट और x = b वाले पॉइंट के बीच में जो ये शेडेड एरिया है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप अगर कोई रेगुलर शेप होती तो निकाल लेते ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगा के, बट ये तो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में आपकी मदद कौन करता है, इंटीग्रेशन करता है। बेसिकली एरिया अंडर द कर्व जो है वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। a to b f(x) dx जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों लिमिट्स के बीच में। अब ये जो a से b लिमिट लगाई है ना, इसको अपन बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इज्जत से इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं जो भी रूल्स अपनों ने सीखे हैं। फिर अपन क्या करते हैं, बारी बारी से पहले जहां जहां x है वहां पर अपर लिमिट रखते हैं और जहां जहां x है वहां पर लोअर लिमिट रखते हैं, और अपर में से लोअर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे आपसे पूछा गया है कि बताओ k q1 q2 / r² dr इसकी वैल्यू कितनी होगी फ्रॉम r टू इन्फिनिटी, तो k q1 q2 ये तो क्या हो जाएंगे आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गए, अनअफेक्टेड रहेंगे, केवल और केवल बचेगा 1/r² फ्रॉम r टू इन्फिनिटी dr। मैंने बताया था अभी अभी यूज भी किया था कि 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r फ्रॉम r टू इन्फिनिटी, ये माइनस साइन है ना ये कंफ्यूज करता है, तो इसको बाहर निकाल लिया करो, तो -k q1 q2 1/r फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। तो मैंने अभी क्या क्या बताया था आपको कि लिमिट्स कैसे रखते हैं, सबसे पहले जहां जहां r है वहां पे अपर लिमिट रख दो, फिर माइनस जहां जहां r है वहां पे लोअर लिमिट रख दो। 1/∞ की वैल्यू आई होप सबको पता पड़ती होगी कितनी होती है, 0 होती है, तो हो जाएगा -k q1 q2 / r, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी,
ये होगी। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉपर्स हैं उसको देख रहे होंगे तो उनको पता पड़ा होगा कि हमने जाने अनजाने में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला डिराइव कर दिया, ठीक है ना। तो फिजिक्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे तरीके से इंफॉर्मेशन वगैरह यूज होते रहते हैं। एवरेज वैल्यू निकालने के अंदर भी कई बार आपका ये फंडा काम में आता है इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रल कर दो ए से लेके बी तक, उस फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो बी माइनस ए से डिवाइड कर दो इस इंटीग्रेशन को, आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको दिया गया है वाई इज इक्वल टू 3x² + 2 और कहा गया है एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल टू 2 के बीच में इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालो। तो आपने अभी अभी देखा था कि एवरेज वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, इंटीग्रेशन लोअर से अपर लिमिट फंक्शन 3x² + 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स और नीचे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। अब तो आपकी स्पीड आ गई होगी, मैं फटाफट से कर दूं, ये हो जाएगा 3x² dx + 2, अनएफेक्टेड रहेगा बाहर ले लेते हैं उसको भी, ये वो लोग क्यों रह जाएगा dx फ्रॉम 0 to 2। तो देखो 1/2 ये रहेगा 3x² का हो जाएगा x³/3, लिमिट रखना बाकी है, प्लस 2 dx का हो जाएगा सिंपली x, लिमिट रखना बाकी है। चलो फटाफट से लिमिट भी रखते हैं, 1/2 3 से 3 कट जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 0 का क्यूब कितना होता है 0, तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, प्लस 2 अपर लिमिट रखेंगे तो 2 रहेगा, लोअर लिमिट रखेंगे 0, 2 माइनस 0 करेंगे 2 रहेगा और 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 8 + 4 हो जाएगा 12 और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए 6 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 0 से 2 के बीच में इस फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू होगी यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली डिफाइन एंड इट विल ऑल्सो बी यूजफुल थ्रू आउट द फिजिक्स टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू लाइक दिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि हमारे काम में आने वाला है, ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक एक्स क्यूब की और एक कॉन्स्टेंट टर्म होगी। इसका जो सॉल्यूशन होता है, दो सॉल्यूशन निकलते हैं इसके, आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हो, वो होता है माइनस बी मतलब एक्स का कोफिशियंट जो है उसका माइनस, प्लस माइनस √b² - 4ac, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, राइट, b² - 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, आई होप आपको पता भी होगा, 9th-10th में पढ़ के आए होंगे। जो b² - 4ac है जो रूट के अंदर रखा हुआ है, ये बड़ा खिलाड़ी आदमी है, इससे हमें काफी सारी चीजें पता पड़ जाती है। जैसे अगर इस b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, पॉजिटिव होता है, तो आपके जो रूट्स निकल के आने वाले हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। अगर b² - 4ac 0 के इक्वल होता है तो रूट्स रियल तो होंगे बट सेम होंगे, मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट नहीं मिलेंगे आपको। और अगर b² - 4ac < 0 हो जाता है तो रूट्स क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी होते हैं, मतलब आप यूँ कह सकते हो कि रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिजिक्स के अंदर तो यही कहोगे आप, राइट, मैथ वाले लोग हैं जो कि इस इमेजिनरी नंबर वगैरह से खेलते रहते हैं। जैसे आपको कहा गया है कि वेलोसिटी v इज गिवन बाय t² + 3t - 4, फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। तो जहां पर रेस्ट पर आ जाएगा वहां पर वेलोसिटी जो कि दी गई है 3² + 3t - 4 वो कितनी हो जाएगी, 0। रेस्ट पे आने का मतलब है वेलोसिटी का 0 हो जाना। तो अब घूम फिर के क्वेश्चन किस पे आ गया कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था t = -b मतलब -3 प्लस माइनस √b² मतलब 9 -4ac, तो 4 × 1 करेंगे, -4 × 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा और उसको करेंगे यहाँ पे +16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a, a तो 1 है, तो ये बचेगा -3 + -9 = 16 = 25, 9 + 16 कितना हो जाएगा 25, इसका रूट करेंगे तो 5/2। तो यहाँ से t की दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक तो निकल के आ रही है -3 - 5 दैट इज -8/4 t = -4 और एक निकल के आ रही है यहाँ पे, अगर +5 लेते हैं तो 5 - 3 बचेगा 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो t = 1। अब जनरली जब हम टाइम स्केल की बात करते हैं तो नेगेटिव नंबर्स अलाउड नहीं होते, टाइम कभी भी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर नहीं चलता, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा t = 1। देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से यूज आती है फिजिक्स के अंदर, आप बता सकते हो कि t = 1 पर आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ पर होगा, रेस्ट पर होगा।
ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फंडा है वो काम में आ सकता है। फिर आगे हम देखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन भी क्या है, अप्रोक्सीमेशन यूज में लेना है। अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन आपको दे रखा है भाई, पावर 1 होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, पावर 2 होती तो भी हमारे पास में आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पावर 3 होती तो भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे तो और भी बड़ी पावर्स के बारे में बात करा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। और फिजिक्स के अंदर अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छे से काम भी करता है। 1 प्लस एक्स की पावर एन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स के इक्वल होता है, पर शर्त यह है कि एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए, और फिजिक्स के अंदर अक्सर ऐसा होगा। ठीक है, तो ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है जो कि आपके काम में आ सकता है। फिर कई बार हमें एक सीरीज का सम करना पड़ता है, तो दो तरीके की सीरीज अगर आपको दिख जाए तो आप फटाफट फॉर्मूला लगा के सम कर सकते हो, और नॉर्मली ये दो ही दिखेंगी आपको। एक को बोला जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आप कंटिन्यूअसली एक सेम नंबर क्या करते जाते हो, ऐड करते जाते हो, और आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जाता है सीरीज का। जैसे ए था, फिर आपने डी ऐड कर दिया तो ए प्लस डी हो गया, फिर डी ऐड कर दिया तो ए प्लस टू डी हो गया, फिर डी ऐड कर दिया तो ए प्लस थ्री डी हो गया। ऐसे अगर nth टर्म निकालोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन। पैटर्न नोटिस करा है ना, पहले टर्म में एक भी नहीं है, दूसरी में एक है, तीसरी में दो है, चौथी में थ्री है, तो nth में कितने डी होंगे, एन माइनस वन डी होंगे, तो ये nth टर्म हो गया ए पी का। ठीक है, और अगर सम निकालना पड़े तो इन n टर्म्स का डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, n बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर इसको ये भी लिख सकते हो n बाय टू टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहली टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो, n बाय टू से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सम निकालने का फॉर्मूला हो गया। एक और प्रोग्रेशन है, ये ज्यादा यूज आएगी फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में, क्योंकि फॉर्मूलाज जो है वो इसको सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, एक नंबर से अपन फ्रीक्वेंटली मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। जैसे ए था, आर से मल्टीप्लाई करा ए आर हो गया, फिर आर से मल्टीप्लाई करा ए आर स्क्वायर हो गया, फिर आर से मल्टीप्लाई करा ए आर क्यूब हो गया। ऐसे ऐसे एंथ टर्म पे चले जाओगे तो ए आर की पावर एन माइनस वन हो जाएगी। जनरल एन टर्म्स का सम निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, ए टाइम्स वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, बट इससे भी ज्यादा यूज आएगा ये। इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर हो जाएगा। शर्त बस ये है कि आपका आर जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। कॉमन रेशियो बोलते हैं अपन इसको, जिस नंबर से अपन बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं वो वन से छोटा होना चाहिए। जैसे कोई पूछे कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे आप देखा वन को वन बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वन बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी सीरीज बन गई। कौन सी सीरीज बनी, जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। आपका जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, 1 बाय टू। आपको सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म है 1, 1 माइनस आर है कितना, 1 बाय टू, 1 माइनस 1 बाय टू करेंगे 1 बाय टू आएगा, उसको ऊपर भेज देंगे तो आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना आएगा, 2 आएगा। सेम चीज यहाँ पर देखो, एक बार के लिए तो लग ही नहीं रहा कि सम करना है, एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस है, लेकिन जीपी की नजरों से देखोगे तो आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। यहाँ पे आप माइनस 1 बाय टू से बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि आपका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, माइनस वन बाय टू। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है, फर्स्ट टर्म है वन, आपके बाद वन माइनस माइनस वन बाय टू करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये थ्री बाय टू हो जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 2/3। कितना आसान है यार, मैथ्स से आप घबराते थे आज तक, और आज आपका जो डर है वो दूर हो रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको, ये मुझे आपको जरूर बताना है, राइट। बहुत आसान है यार, इससे ज्यादा यूज नहीं होगी। ये कुछ ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज बचपन में पढ़ा करते थे, वो काम आते हैं यहाँ पे। जैसे स्क्वायर का एरिया साइड की स्क्वायर के इक्वल होता है, रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ट्रायंगल 1 बाय टू बेस इनटू हाइट, ट्रेपेजॉइड 1 बाय टू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सब याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना। एनक्लोज्ड बाय अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्फेयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया हो जाएगा बेस इनटू हाइट पैरेललोग्राम का। कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एल हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स पाई इनटू ए बी हो जाएगा, ए और बी उसके माइनर और मेजर एक्सिस है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इनटू साइड स्क्वायर, क्यूब की एक का सरफेस एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 फेसेस होती हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन नीचे बेस का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और जो उसकी कर्व्ड है सरफेस उसका हो जाएगा पाई इनटू आर इनटू एल, ठीक है ना। एल उसकी स्लेंट हाइट है, सब बचपन में याद करते थे अपन, तो इनको फटाफट निपटाते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब होगा यहाँ पे, राइट। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब,
वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 इसका 1/3, ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर जो सिलेंडर होता है उसका 1/3 हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा पहले कुछ बात कर लेते हैं, तो आज जो इस वीडियो के अंदर तमाम चीजें मैंने आपको मैथ्स के बारे में पढ़ाई है वो आपको समझ में आनी चाहिए, वो आपके फिंगर्स पर होनी चाहिए, आपके दिमाग के अंदर जो मेमोरी का लिंक है वो बहुत फास्ट होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ये चीजें दिखाई दे तो आप बहुत जल्दी से एक्सेस कर सको इस इंफॉर्मेशन को, राइट। आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए कि सर ने जो पढ़ाया है उसके बाहर मैथ्स का तो कोई भी फंडा हमारे काम में नहीं आने वाला और आएगा भी नहीं, ठीक है। जो साथ ही साथ में आपको चीज पता होनी चाहिए वो ये है कि कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि मैंने आपको हो सकता है एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, जैसे अभी लास्ट वाले जो रिजल्ट्स थे, बट वो केवल और केवल मैंने इसलिए इंडिकेट करे हैं कि ये आपको ध्यान में रखना है कि इन चीज़ों को हमें लर्न करना है, ये हमारे फिंगर्स पर होनी चाहिए। जैसे अब आपसे कोई पूछे कि यार स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, किसी क्वेश्चन में काम में आ जाए और वहाँ पे आप बैठ के सोचने लग जाओ कि वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, और अगर आपको रिजल्ट याद नहीं आया तो आप केवल और केवल फोकट में उस रिजल्ट को याद नहीं रहने के बाद रखने की वजह से अपना जो मार्क्स है वो लूज कर दोगे। सो इसलिए मैंने वो सारे के सारे रिजल्ट्स इंक्लूड करने की कोशिश करी है जो कि किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चन के अंदर काम में आ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना है, और साथ ही साथ में इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस दे रहा हूँ। भाई आपने इस वीडियो को पूरा देखा या नहीं देखा मुझे पता तो चलना चाहिए, आपको इस वीडियो से कितना समझ में आया कितना नहीं आया मुझे पता तो चलना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए मैंने कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस रखे हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आपको वो फॉलो अप क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन फॉलो अप क्वेश्चंस को ट्राई करो, इनके जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आप बताओ, राइट। और अगेन एक बार मैं आपको वापस से रिकमेंड करना चाहूँगा कि YouTube इज नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन, ऑल्दो दिस वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन YouTube और मे बी सम अदर वीडियोज, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू यूज और ऐप प्रेप ऑनलाइन ऐप। आपको Google Play Store पर जाना है, Apple Play Store पर जा सकते हो, राइट। आप इवन वेब प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, मतलब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करना है जो डेडिकेटेड है स्टडी के लिए, फोकस आपका बहुत शार्प होना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।